वेल गाइज, अगर आप लोग NJPW के हार्डकोर फैन हो तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा कि टेट्सुआ नाइटो आज भी जापानीज रेसलिंग के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार माने जाते गए। और गाइज, यहां पर होम क्राउड के अंदर नाइटो की पॉपुलरिटी दुनिया के और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। बट गाइज, क्या आपको मालूम है टेट्सुआ नाइटो ने WWE के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को दो दो बार रिजेक्ट किया है। वेल गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, 2017 में NJPW के जीवन क्लाइमेक्स में काम करने के बाद जब टेट्सुआ नाइटो का NJPW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था तो गाइज WWE तरफ से ट्रिपल एच ने WWE के अंदर टेट्सुआ नाइटो को साइन करने की कोशिश की, जहां पर टेट्सुआ नाइटो को WWE में लाने के लिए ट्रिपल एच WWE के मेन रोस्टर की सैलरी देने तक को तैयार थे। बट गाइस, यहां पर टेट्सुआ नाइटो ने WWE के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। और गाइस, यहां पर टेट्सुआ नाइटो का यह कहना था कि टेट्सुआ नाइटो NJPW कंपनी के साथ लॉयल है। और गाइस, टेट्सुआ नाइटो NJPW के अंदर ही उनके करियर को ओवर करेंगे। और गाइस, WWE के हाई सैलरी देने के बाद भी टेट्सुआ नाइटो ने WWE को डायरेक्टली मना कर दिया था।